डॉक्टर प्रदीप मौर्य सिर्फ एक लीडर ही नहीं बल्कि एक चिकित्सक भी हैं। जनता की एक ऐसी आवाज जिसकी उम्मीद है डॉक्टर प्रदीप मौर्य, जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रदीप मौर्य जी ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस वक्त आप भ्रमण के लिए जा रहे हैं, जनता के दरबार में जा रहे हैं, तो आपका क्या मोटो है इस वक्त बीजेपी के लिए भी और जो इस वक्त मोदी जी कर रहे हैं, अपना एक मोटो बताइए। हम इस समय जा रहे हैं क्षेत्र में, और क्षेत्र में जो हमारे सरकार की उपलब्धि है उसको क्षेत्र के बीच में रखेंगे, और साथ ही साथ जनता के द्वारा जो भी विचार या जो भी सुझाव आएंगे, चाहे पेंशन संबंधित हो, चाहे किसान संबंधित हो, चाहे धान खरीद का मामला हो, चाहे खाद का मामला, उन सारे विषयों को लेकर के हम उन क्रय केंद्रों पर अधिकारियों से बात करेंगे कि मोदी जी की योजनाएं सही मामले पर धरातल पर उतरें। साथ ही साथ जनता के हित की जब हम बात करें तो जनता के बीच में हमारा हित दिखे, सरकार की उपलब्धियां सही मामले पर जमीन पर लागू हो सके। इस वक्त जो कृषि कानून को जो वापस ले लिया गया है मोदी जी के द्वारा, बड़ा अच्छा एक कदम है, लेकिन अभी भी जो विपक्षी पार्टी है वो उसको नहीं मान रही है, तो मतलब उसमें भी कुछ घाल मेल करती नजर आ रही है, तो अब मोदी जी की इस फैसले को कितना आप तवज्जो देते हैं? मोदी जी का फैसला ऐतिहासिक फैसला है और सराहनीय कदम है। विपक्ष को कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का जो सत्ता में है उनको जो है कभी अच्छाई दिखता ही नहीं है, वो हमेशा विपक्ष विरोध की भाषा। और मोदी जी के फैसले के बारे में थोड़ा सा बखान कीजिए। मोदी जी का फैसला जो है, किसानों ने अपनी बातों को बार बार रखते रहे, नीत कोई गड़बड़ नहीं रहा, लेकिन किसानों को लगा कि कहीं न कहीं से हमारा अहित हो रहा है, तो मोदी जी ने उस फैसले को वापस लेकर के किसान के जनहित में जो निर्णय होंगे आगे लेंगे, और जो निर्णय लिए हैं उसके साथ हम लोग साथ। डॉक्टर प्रदीप मौर्य जी एक बहुत ही नेक और ईमानदार नेता हैं और गरीबों के लिए बहुत मसीहा के रूप में उभरते हुए नेता हैं, और अपने क्षेत्र से दो बार और इस बार तीसरी उनकी है जिला पंचायत की, और जिला पंचायत के बाद वह विधानसभा की तैयारी करके जनता के और लंबे पैमाने पर सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार मौर्य जी का जो कार्य है, जो उनके कार्य करने की क्षमता है, वो बहुत ही प्रभावशाली है, और दो बार से जिला पंचायत सदस्य यहाँ रहे, तीसरी बार भी वो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके सहयोगी हैं, जो कि उन्हीं के बलबूते जो उनका फील्ड में किया हुआ कार्य है, जिसके बदौलत उन्होंने जितवाने का काम किया, और 380 मुगलसरा विधानसभा से जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पूरे जी जान से उनके साथ हैं। पार्टी अगर उनको टिकट देती है निश्चित तौर पर हम लोग जो कि मुगलसरा का सीट जीत करके रहेंगे। AM 24 न्यूज, हम दिखाएंगे आईना।